सभी किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। किसान भाइयों, आपका अपने YouTube चैनल फार्मर आसवानी चौधरी पर हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। किसान भाइयों, ये देखो मैं आज आपको एक गन्ने में ट्रेंच विधि के जो गन्ने हत्ता है उसके लिए एक नया ही आपको समाधान घास का आज आपको दिखाने जा रहा हूँ। बहुत बेस्ट डिसीजन और बहुत बेस्ट तरीका किसान भाई का कह सकते हैं। देखो किसान भाइयों, क्या होता है कि देखो हर वर्ष हमें ये जो खेती होती है हमारी, इसमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। ये देखो किसान भाइयों, गन्ने में जमा पड़ चुका है, देख लो। और ये ट्रेंच विधि का गन्ना है 5 फुट। अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, देखो आप वीडियो में अंत तक बने रहना। और जो आपको ये दिखा रहा हूँ मैं आज कि क्या बेस्ट तरीका है किसान भाई का खरपतवार का नाश करने का और खेत को एक बहुत बेस्ट बनाने के लिए। ये देखो किसान भाई ने अपना क्या तरीका अपनाया। तो आपको मेरी वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक करियो, शेयर करियो और चैनल को ज़्यादा ज़्यादा सब्सक्राइब कर लियो। ये देखो किसान भाई, ज़रा पहले तो ये देखो किसान भाइयों, अब मैं आपको एक चीज़ और दिखा रहा हूँ। ये देखो ज़रा किसान भाइयों, ये इन भाई साहब ने सदे लेजर तो सदा था लेकिन दूरी जो थी 5 फीट रखी है। सदे लेजर से इसकी गन्ने की बुवाई की थी और इन्होंने अब देखो इसमें गन्ने में क्या शानदार जमाव भी आ गया है। और ये जो किसान भाई हैं ये अपना मेथड अब की बार एक नया ही मेथड अपना रहे हैं खेत में। ये देखो इन्होंने इस खेत को 2 पानी दिए किसान भाइयों। देखो गन्ना जमाव पे है, कितना बढ़िया जमाव की ओर गन्ना है। ये देखो और खेत में घास थोड़ा थोड़ा उग के आने लगा किसान भाइयों। तो इनका ये जो तरीका है, देखो गन्ना निकल कर आ रहा है। ये देखो भाई साहब नमस्कार, जरा 1 मिनट को बंद कर लो। आप हमारे किसान भाइयों को पहले तो अपना प्यारा सा परिचय करा दो। परिचय, मेरा नाम अनुज कुमार, गांव वाजिदपुर कवाली। अच्छा जी, हाँ जी अनुज भाई, आपको ये मेथड, ये जो आपको एडवाइस जो आपने इसमें दी, किस भाई ने दिया, अपने खुद मेथड से कर रहे हो? अजी बार बार अपनी प्रशंसा क्यों करवाना चाहो? अजी नहीं नहीं, आप ऐसा ना क्या करो बाबू जी, हमने आपको ये तो छोड़ रखा, जाओ पता कर करो बाहर से और फिर आगे मैं आगा हूँ, बताओ। नहीं नहीं, कैसे करना आपको भैया जी इसमें? आपने पहले बुआई पर खाद नहीं डाला था ना? आप डाला आपने इसमें खाद, तो 2 पानी आपने दिए इसमें। तो आप पहले तो ये बताओ, ये ट्रैक्टर कितनी हॉर्स पावर में है? 33 हॉर्स पावर में। रोटावेटर कैंक फिटा है? 6 फिटा शक्तिमान का। हाँ 6 फिटा शक्तिमान का रोटावेटर है किसान भाइयों। अब आपसे एक बार जानकारी ले, ये तो बहुत अच्छा जमाव पड़ रहा खेत में और आपने इसकी खरपतवार के लिए, ये मैन खरपतवार के लिए करा आपने या खेत की जमाव भी अच्छा होगा? ऐसा है, अब हर 6 दिन पानी देने से पीछे छूट जाएगा, 20 दिन अपना गेहूँ का उठा कर जी और इतना 20-25 दिन में अपना ये हो जाएगा। अगर इसे बार बार पानी दे जाएंगे तो घास छट जाएगा और इसमें फिर फंगस भी आती है। हाँ। कीट भी आता है ना? बिल्कुल बिल्कुल। तो अब आप इसमें रोटावेटर मार दोगे? हाँ। इसके बाद भी कुछ प्रक्रिया रखोगे? मेड़ा फेरेंगे। मेड़ा तो नेड़े डब लंबे डब? नहीं लंबे डब, लंबे डब मेड़ा मार दो। पहिया इस पे नाम है खोड़ पे, खोड़ पे नाम है पहिया, और फिर छोड़ दोगे इसे? तो फिर जमाव बढ़िया होगा जी बहुत। बिल्कुल, 6 दिन बाद आकर देखो सारे खोड़ जम जाएंगे। और घास की तुमने घास का बेड़ा गरा कर दिया? खत्म, घास खत्म कर दिया भाई। वाह बहुत बढ़िया तरीका आपका है। तो पहली बार अपना रहे दोबारा? नहीं कई साल से अपना रहे। कई साल से अपना रहे, ठीक है। तो जरा एक बार हमारे किसान भाइयों को ट्रैक्टर चलवा के दिखवा दो। और ये खेत कैंक बिगेगा जरा किसान भाई को बता दो, बहुत बड़ा खेत है। 40 बीघे तो किसान भाइयों ये 40 बीघे का प्लॉट है, अब जरा देख लो। ये देखो किसान भाइयों, इनका डिसीजन देखो कितना अच्छा रहा है गन्ने को बेस्ट बनाने के लिए। पोवो कोई नुकसान नहीं दे रहा किसान भाइयों, सारे पोवे फ्रेश बचते जा रहे हैं। और ये बड़े ही रूटर से काम कर रहे हैं,
बीचों बीच ट्रैक्टर आ गया। ये देखो तो किसान भाइयों, आपको ये हमारी मजेदार वीडियो कैसी लगी आप जरूर ये भी राय बताना, आप बॉक्स में लिख के अपनी राय और आपके जो भी सुझाव हैं वो भी आप बताना। ये देखो भैया जी क्या कर रहे हैं, एक ट्रैक्टर का पहिया इधर ले लिया किसान भाइयों और एक पहिया इधर ले बैड पे ले लिया, तो ये इस तरीके से करने के एक का खूड़ हो रहा है ना कि दो दो खूड़। और देखो किसान भाइयों, ये हमारे जो भाई हैं इनके खाद डाल रहे हैं, एक बार मैं आपको ये भी दिखाता हूँ। हाँ भाई छोटू एक मिनट, ये देखो किसान भाइयों ये खाद डाल रहे हैं इसमें, एक बार ज़रा ये भी आपको दिखाते हैं। आपने इसमें बुआई में खाद नहीं डाला था ना? नहीं। अच्छा अब डाल रहे हो, ज़रा एक बार दिखवाओ। ये देखो किसान भाइयों, ये देखो देखो किसान भाइयों, ये इसमें खाद भी अब डलवा रहे हैं, बुआई पे इन्होंने खाद नहीं डाला, दो पानी दे दिए हैं इसको और अब ये खाद डाल दिया है। किसान भाइयों ये खाद भी अपना गर्माहट बना होगा इस टाइम, देख लो जब इसमें खाद गिर जाएगा। और खाद गिरने के बाद ये भैया जी का देखो तीन बंदे कार्य कर रहे हैं, खेत बहुत बड़ा है किसान भाइयों, ये 40 बीघे का प्लॉट एक ही है, ये देख लो। भाइयों बहुत मेहनत के साथ वीडियो बनाता हूँ, तो देखो थोड़ा सा लाइक कर देख रो और वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर कर देख रो। ये देखो किसान भाइयों एक का कोवा कैसे फ्रेश निकल रहा है, तो किसान भाइयों आपको ये हमारी वीडियो कैसी लगी ये ज़रूर बताइयो, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दियो। और देखो ट्रैक्टर की क्या शानदार आवाज़ है, देखो भाइयों ना उठाने की जरूरत ना कोई, एक पहिया इस बैड पे है किसान भाइयों। तो भाइयों आपको ये वीडियो कैसी लगी ये ज़रूर बताना, और वीडियो में जो भी आपके सुझाव हैं वो हमें बताइयो भैया जी। भाइयों अब मैं चलता हूँ और इस वीडियो से विदा लेते हैं, तो आपको मेरा प्यार भरा नमस्कार।